जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। तंत्र में लाल कपड़े का प्रयोग अवश्य होता है, तंत्र ज्ञान। कामख्येवर दे देवी नील पर्वतवासी नीतम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। इसका यह मंत्र जो है मां कामख्या देवी का मंत्र है, स्तुति है। कोई भी पाठ कर सकता है, उनकी कृपा धीरे धीरे आपको प्राप्त होने लगेगी। तो हम आ रहे थे तंत्र के ज्ञान के ऊपर कि तंत्र में कलावे का प्रयोग अवश्य होता है, जो दो कलर का होता है, लाल पीला और कभी कभी बीच में उसमें कुछ कुछ सफेद भी आ जाते हैं। तो वह जो तंत्र में प्रयोग होता है केतु के वजह से उसको प्रयोग करना जरूरी होता है। काली उड़द का प्रयोग तंत्र में होता है, तंत्र को चढ़ाने में भी काली उड़द का प्रयोग होता है, लोहे की कील का प्रयोग होता है, सिक्के का प्रयोग होता है, कुमकुम का प्रयोग हो सकता है, लाल कपड़े का प्रयोग होता है, लाल धागे का यानी कलावे का प्रयोग होता है, कहीं कहीं पर काले धागे का भी प्रयोग होता है। आज हम इसका विश्लेषण आपको बताएंगे कि तंत्र चढ़ाना या तंत्र काटना, या आप कैसे समझेंगे कि आपके यहां पे तंत्र हो गया। लाल धागा, उड़द, लोहे की कील, सिक्का और लाल कपड़ा, इसका प्रयोग सामान्यतः किसी का बंधन करने के लिए किया जाता है। अब व्यापार बंधन भी हो सकता है, रोजगार बंधन भी हो सकता है, विवाह का बंधन भी हो सकता है। यदि किसी मनुष्य को अपने घर के दरवाजे के सामने या अपने घर में लाल कपड़े में सिक्का, उड़द के दाने, पीली सरसों, लौंग, लोहे की कील, अगर ये कोई बंधी हुई पोटली में मिल जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका कुछ न किसी न किसी चीज का बंधन हो गया है। अब यह बंधन व्यापार का बंधन भी हो सकता है, घर के मेन गेट का बंधन भी हो सकता है, विवाह का बंधन हो सकता है, बच्चे पैदा न हो उसका बंधन हो सकता है, ना बच्चा यदि गर्भ में हो तो गिरने की संभावना बहुत ज्यादा होगी, रोजगार का बंधन हो सकता है। अब इसका वैज्ञानिक विश्लेषण हम आपको बताते हैं कि उड़द के दाने जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं वह केतु का प्रतीक होता है। तंत्र जो है पूरा नव ग्रह पर आधारित होता है, तो जो उड़द के दाने हैं वह केतु का प्रतीक होता है, और लोहा लोहे की कील जो प्रयोग की जाती है, सुई प्रयोग की जाती है, आल्पिन प्रयोग की जाती है, वह शनि का प्रतीक होता है, और मंगल जो है लाल कपड़ा जो है वह मंगल का प्रतीक होता है। तो जहां मंगल यानी उग्रता यानी खून और लोहा यानी शनि, तो लाल और काला जब मिला दिया जाता है, मैंने लोहे को गर्म किया जाता है, उसमें उड़द के दाने डाल दिए जाते हैं, तो तीनों मिलाकर के तंत्र का काम करता है। क्योंकि केतु जो है केतु का सिर नहीं है, केवल शरीर है, वो गोल मोल भटकते रहता है, इसलिए केतु जो है भटकाने का काम करता है आपको। तो व्यापार के लिए यदि कर दिया जाता है तो व्यापार के लिए आप भटकते रहोगे, व्यापार में सफलता नहीं मिलेगी, धीरे धीरे जो रोजगार चल रहा है बंद हो जाएगा। रोजगार का बंधन कर दिया जाता है, विवाह का बंधन कर दिया जाता है, इससे शत्रु को शारीरिक हानि भी पहुंचाई जा सकती है।
मन में डर बैठाया भी जा सकता है और ये भी हो सकता है। तंत्र जब भी होता है तो वह पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल होता है, तो वह पिछले जन्म के पाप कर्म, संचित कर्म जो होते हैं, वह लौट करके वापस आपके पास आते हैं। इसलिए जब भी आपकी शनि की महादशा, केतु की महादशा, राहु की महादशा चलेगी, उसमें इन तीनों की आपस में एक दूसरे की अंतर दशा भी आ जाती है। यानी शनि की महादशा में केतु की अंतर दशा आ गई, प्रत्यंतर दशा राहु की आ गई, तो तंत्र होगा ही होगा आपके ऊपर। इसी प्रकार केतु की महादशा में शनि की अंतर दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा राहु की आएगी, तब भी तंत्र होने की संभावना बहुत ज्यादा होती। इसलिए अपनी कुंडली का ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी कुंडली चेक करवाना चाहता है कि उसके ऊपर वास्तव में तंत्र होगा या नहीं होगा, तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं, 7649862712 पर संपर्क कर सकते हैं। अब यदि केतु खराब है यदि आपकी कुंडली में, तो तंत्र आपकी जिंदगी में होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। तो उसके लिए पहले से आपको उसका इंतजाम करके रखना होता है। जब भी केतु की महादशा आती है, केतु की अंतर दशा आती है, वो केतु आपको तड़पाने का काम करता है। केतु का काम ही ये होता है, तड़पाने का काम करता है, और राहु जो है खाने का काम करता है। अब इन सब तंत्र से बचने के उपाय भी होते हैं। तो पहले तो आप ये देखें कि आपके घर में यदि लाल कपड़े में कोई चीज बंधी हुई मिल जाए, पीली सरसों मिल सकती है, उड़द मिल सकती है, कोई सिक्का रखा हुआ मिल सकता है, उसी के साथ में उड़द के दाने रखे हुए मिल सकते हैं, लौंग मिल सकता है, पीली सरसों मिल सकती है, कोई भभूत मिल सकती है, कोई हड्डी मिल सकती है, तो आप ये समझ जाना कि आपके ऊपर तंत्र बाधा हो गई है। और इसका प्रयोग सिर्फ बंधन करने के लिए किया जाता है। बंधन किस चीज का होगा यह आपको नहीं मालूम होता है, करने वाले ने किस काम के लिए किया यह आपको नहीं मालूम होता है। हो सकता है घर परिवार का बंधन हो जाए, घर पे चौकी आ सकती है, तो जो भी व्यक्ति काम करने के लिए निकलता है वो सक्सेस नहीं होता है। व्यापार का बंधन हो सकता है, व्यवसाय का बंधन हो सकता है, हाथों का बंधन हो सकता है, लक्ष्मी का बंधन हो सकता है, आपके यहां मांगलिक कार्यक्रम न हो उसका भी बंधन हो सकता है। और यदि आपके कोई कार्य कहीं पर चल रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो उन कार्यों का भी बंधन हो जाता है ना, उन कार्यों में भी रुकावटें आना उत्पन्न हो जाती है और आपको नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अपने घर की सफाई हर अमावस्या को करते रहना चाहिए, ताकि घर के अंदर यदि किसी प्रकार की कोई भी तंत्रात्मक वस्तु आ गई है, किसी ने डाल दी है, या कोई छोड़ के चला गया है, या कोई बंधन कर दिया गया है, तो आपको पता चल सकता है और उसका इलाज करना चाहिए। आप उसको बहुत साधारण रूप में मत लीजिए, अन्यथा आप धीरे धीरे बर्बाद हो जाएंगे। जब बर्बाद हो जाओगे तब पता लगेगा कि अरे ये तो तंत्र विद्या हो गई, क्योंकि आजकल आप बहुत पढ़े लिखे हो गए हो, अंग्रेजी माध्यम से आपने पढ़ लिख लिए हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली है, तो आप इस चीज को नहीं मानते हो, परंतु यह वास्तव में होती है और आपकी जिंदगी को इफेक्ट भी करती है। तंत्र की वजह से पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, उसमें भी इस चीज का प्रयोग किया जाता है जो मैं आपको बोल रहा हूं। लाल कपड़े के अंदर लोहे की कीलें, कुछ सिक्के, उड़द, कुमकुम, जायफल भी रखा जा सकता है, नींबू भी रखा जा सकता है, सुई लगा करके नींबू भी रखा जा सकता है। तो अब आपको करना क्या है, इसका उपाय, यदि आपको घर में इस प्रकार का कोई बंधन मिल जाए, कोई तंत्रात्मक वस्तु मिल जाए, तो उससे आपको सबसे पहले तो उसके ऊपर पानी डालना होता है, हाथ नहीं लगाना है, किसी कागज से, पुट्ठे से, या गत्ते से, या सुपड़ी से, प्लास्टिक के आइटम से, उस तंत्रात्मक आइटम को पानी डालने के बाद उठा करके घर के बाहर आग में जला देना चाहिए। यह तंत्र क्रिया शत्रु के द्वारा शारीरिक हानि पहुंचाने के लिए भी की जाती, एक्सीडेंट के लिए भी की जाती, मस्तिष्क का बंधन हो जाता है, आपकी बुद्धि का बंधन भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले उसमें पानी डाल करके उसको घर के बाहर जला देना है, और फिर आपको हनुमान जी की उपासना करना चाहिए,
सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, घर में हवन करना चाहिए शुद्धता के लिए, ताकि जो शक्ति आई है वो शक्ति वापिस चली जाए। और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए कम से कम 108 बार, हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करना चाहिए, और दशांश हवन अवश्य करना चाहिए। ये दोनों पाठ करने के पहले श्री राम, जय राम 15 मिनट तक अवश्य बोलना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और ये कार्य अंधेरे में ही कर लेना चाहिए। और स्त्री यदि घर में है तो उनके मासिक धर्म की अवस्था में उस नियम का पालन करें कि उनकी अशुद्धता की अवस्था में घर के अंदर खाना पीना नहीं बनवाना चाहिए। यदि घर में तंत्र विद्या हो गई है तो वो ज्यादा इफेक्ट करती, यदि आप अशुद्ध अवस्था में घर में खाना बनवाते हैं स्त्रियों से तो जल्दी नुकसान करती है। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि स्त्री के मासिक धर्म की अवस्था में, रजस्वला अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में 3-4 दिन तक खाना पीना बिल्कुल भी नहीं बनवाना चाहिए। और घर में शिव जी का रुद्र अभिषेक करना चाहिए, चंडी पाठ का पाठ करवा के हवन करवाना चाहिए, और परिवार के सभी सदस्यों को गोमूत्र रोज पीना चाहिए 21 दिन तक, यदि तंत्र विद्या हो गई है और पता लग गई है तो। और गौमूत्र को छिड़कना चाहिए, पूरे घर में छिड़कना चाहिए। गाय का जो गोबर होता है, गाय के गोबर से भी यदि थोड़ी बहुत जगह जहां पे मुख्य द्वार प्रवेश द्वार होता है वहां पर गाय के गोबर से लीपना चाहिए, इससे भी तंत्र विद्या कटती है। और ये जितना भी कार्य करें पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से करें, समर्पण भाव से करें, तो ही आपको फायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप ऊपरी तौर पर करेंगे, बिना श्रद्धा के करेंगे, तो आपको कोई फायदा होने की संभावनाएं नहीं बन रही है। तो तंत्र विद्या कील के माध्यम से, उड़द के माध्यम से, नींबू के माध्यम से, बड़ी बड़ी सुइयों के माध्यम से, पुतली के माध्यम से की जाती है, और जिसमें इन चीजों का प्रयोग अवश्य होता है। लाल कलर का यानी लाल कपड़े का धागे का प्रयोग होता है, काले कपड़े का प्रयोग होता है, क्योंकि काला कपड़ा जो है शनि का प्रतीक होता है, या लोहे की कील का प्रयोग किया था वो शनि का प्रतीक होता है और शनि तंत्र में काम आता है। काली चीजें हमेशा तंत्र में काम आती क्योंकि तंत्र भी काला है, तंत्र अदृश्य है। और काली उड़द जो है केतु के लिए प्रयोग की जाती है तंत्र के अंदर, लाल कपड़े मंगल के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से काले तिल का प्रयोग भी करते हैं राहु महाराज के लिए। तो जब तक इन चारों चीजों का मिलन नहीं होगा तंत्र नहीं हो सकता है। यानी लाल कपड़े का, काले कपड़ा, लाल कपड़ा, लोहे की कीलें, सुइयें, उड़द, पीली सरसों और लौंग, कुमकुम या सिंदूर का प्रयोग होता है। ये से 5-7 आइटम यदि आपके घर में मिल जाए तो समझ जाना कि तंत्र विद्या हो गई है, उसका तुरंत इलाज करवाइए, उसको कटवाइए, अन्यथा आपका परिवार धीरे धीरे जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है और वो घुन जो है लकड़ी को खा जाता है, अंदर ही अंदर खा जाता है, पता ही नहीं चलता है। और जब बहुत देर हो चुकी होती है तब पता लगता है कि साहब लकड़ी तो अब सड़ गई। इसी प्रकार आपका जीवन भी सड़ सकता है, आपकी जिंदगी तबाह हो सकती, बाहर से अच्छी दिखेगी परंतु अंदर से आप टूट चुके होंगे। किसी को कैंसर की बीमारी हो सकती है, किसी को किडनी फेलियर की बीमारी हो सकती है, कोई न कोई व्यक्ति बिस्तर पर हमेशा पड़ा रह सकता है, एक ठीक होने पर दूसरा पड़ सकता है। यदि इस प्रकार की स्थिति आती हो तो जितना पैसा कमाते हो अपने उस कमाई का 10-20% हिस्सा मेडिकल में चला जाता हो तो समझ जाओ आपके घर पे तंत्र विद्या है। यदि आप घर में पूजा पाठ नहीं कराते हो, यदि आप घर में हवन नहीं करवाते हो, यदि आप घर के अंदर जप तप नहीं करवाते हो, साल में एक बार, वर्ष में एक बार महामृत्युंजय के जप करा के हवन नहीं कराते हो, वर्ष में एक बार चंडी पाठ करा करके हवन नहीं कराते हो, वर्ष में एक बार अखंड रामायण का पाठ नहीं कराते हो या सुंदरकांड नहीं कराते हो, तो समझो आपके ऊपर तंत्र विद्या होगी ही होगी। क्योंकि पूजा पाठ करने से, जप तप कराने से काफी कुछ हद तक आपकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। तो कुल देवी देवता की पूजा करना चाहिए ऐसे समय पे यदि तंत्र हो जाता है तो। और जैसा मैंने और उपाय बताए इन उपाय को करें, और कभी भी तंत्र किसी के ऊपर नहीं करवाएं, क्योंकि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मैं ब्याज के आपको मिलना ही मिलना है। इसीलिए कभी कभी
कोई व्यक्ति तंत्र करता है तो वह उसके पिछले जन्म के संचित कर्म के को भोगने के लिए भी कई बार तंत्र हो जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।